नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि किसी भी चीज़ के साथ खिलवाड़ करो, लेकिन प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत करो, क्योंकि जैसे ही आप नेचर के साथ खिलवाड़ करते हो तो वो इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा मुसीबत लेकर आ जाती है और बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो जाती है। वो हो सकता है कि आप कुछ भी नेचर के साथ खिलवाड़ करें, वो धीरे धीरे आप करते रहेंगे, उसका इम्पैक्ट तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद वो दिखेगा और वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक होगा, बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बन जाएगा। ये दोस्तों हम लोगों ने भी देखा है नेचर के जब हम खिलाफ गए हैं, जैसे कि उत्तराखंड में हम देखते हैं कि ज़मीन धंसने लगती है। जैसे कि अभी पिछले साल की खबर है ये, जब जोशीमठ में दरारें पड़ने लगी थी घरों में, वो ज़मीन धंसने लगी थी, लोग घर छोड़कर भाग रहे थे, ये न्यूज़ हम लोगों ने देखी थी, बहुत से वीडियोज़ आए थे। वो दोस्तों रीज़न ये है कि हम पहाड़ों पे अननेसेसरी कंस्ट्रक्शन करते चले जा रहे हैं, उल्टे सीधे कुछ भी, किसी भी कोई गाइडलाइंस का हम फॉलो नहीं करते हैं और सब करते रहते हैं। तो जब हम नेचर के साथ खिलवाड़ करते हैं तो नेचर हमें घर छोड़ने पर भी मजबूर करवा देता है। ऐसे ही दोस्तों ये एक उदाहरण है, ऐसे ही मैं अगर बात करूँ विदेशों में भी ऐसा ही होता है, लोग उल्टे सीधे काम करते हैं और फिर ये दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। अभी जैसे दोस्तों एक हफ्ते पहले की बात है, 10 दिन पहले की बात है, आपने देखा होगा यूएई में दुबई शहर में ज़बरदस्त बारिश हो गई और इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि वहाँ गाड़ियाँ तक डूब गईं, पूरा शहर सोचिए डूब गया। कारण दोस्तों ये है कि पिछले करीब 30 सालों से दुबई के लोग ज़बरदस्ती आर्टिफिशियल बारिश करवा रहे थे, केमिकल के द्वारा, बादलों में केमिकल छोड़ते हैं उसके बाद वो बारिश करवा रहे थे। सोचिए दोस्तों जब हम नेचर के साथ ऐसा करेंगे तो ऐसा ही होगा कि पूरा शहर डूब जाएगा बारिश से, और वही हो चुका, पूरा शहर डूबा। तो इस तरह की परेशानियां होती हैं। अब दोस्तों ऐसे ही एक लेटेस्ट खबर अभी आ रही है चाइना से। दरअसल दोस्तों चाइना में क्या हो रहा है कि वहां पर जमीन धंस रही है और वहाँ का जो पानी का लेवल है वो ऊपर आ चुका है। मतलब ऐसा सोचिए कि नदी जो बह रही है उसका पानी ऊपर है, वहाँ जो वाटर लेवल है, ज़मीन जो है वो बिल्कुल नीचे चली गई है, पानी ऊपर तक भरा हुआ है, लोगों को रहने के लिए दिक्कत है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा ये हुआ क्यों, चाइना ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से उसको इस तरह का मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों दरअसल चाइना ने क्या किया, वो कंस्ट्रक्शन अपनी इतनी ज़्यादा कर रहा है, इतनी ज़्यादा वो आगे बढ़ना चाहता है कैसे भी करके, कि उसने जब कंस्ट्रक्शन करनी स्टार्ट करी तो कुछ भी नहीं देखा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ वो आगे बढ़ गया। दोस्तों उसने क्या किया, पूरे अपने शहर का शहर बसाता चला गया और उसने वर्ल्ड क्लास शहर भी बना दिए, काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी अच्छे। लेकिन उसने दोस्तों क्या किया, ये जो पानी होता है उसने ज़मीन से पानी इतना ज़्यादा निकाल लिया चाइना ने, और उस पानी का यूज उसने कर लिया इंडस्ट्रीज़ के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए, केमिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए, इन सब चीज़ों के लिए उसने पानी का यूज कर लिया जो ज़मीन में नीचे था। अब दोस्तों नीचे से अगर आप पानी को निकाल लेंगे तो कहीं ना कहीं वो जगह खाली हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। जब वो जगह खाली हो जाएगी तो एक टाइम तो ऐसा आएगा जब वो ज़मीन धंसने लगेगी वहाँ से, क्योंकि जब किसी चीज़ के नीचे से आप कोई चीज़ हटाएंगे तो वो खाली जगह हो जाएगी, खाली जगह पे तो धंसना ही है। और ज़बरदस्त वहाँ पे इतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स बना दी कि वो जगह भारी हो गई, वहाँ पर काफ़ी वजन हो गया, जिसकी वजह से वहाँ ज़मीन धंसना शुरू हो गई। दोस्तों आपको बता दें कि चाइना की 90% पॉपुलेशन एक साइड रहती है पूरे देश के, और बहुत ज़्यादा एरिया है वो खाली पड़ा हुआ है, वहाँ पे सिर्फ 10% पॉपुलेशन रहती है। वो एरिया दरअसल वहाँ पे खेती वगैरह कम होती है, वहाँ पहाड़ी एरिया ज़्यादा है, और जो अभी जो शहर विकसित करें वहाँ पे 90% लोग हैं। अब दोस्तों ये समझ लीजिए कि वहाँ पे जब इन्होंने इतना ज़्यादा पानी निकाल लिया, ज़मीन धंसने लगी, तो अब इनके साथ परेशानी आ गई। अब लोग जाएँ तो जाएँ कि कहाँ, करें तो करें क्या, क्या है कि उनकी जो पॉपुलेशन है उन्होंने अपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए इन शहरों में और अपने घर मकान सब बना लिए, अब वो कहाँ जाएं, अब ज़मीन धंस रही है। दोस्तों आने वाले 25 से 30 सालों में चाइना में आपको ये देखने को मिलेगा कि पूरे के पूरे घर वो ज़मीन के अंदर जा चुके हैं, ऐसी सिचुएशन आने वाली है।
जैसे कि रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब इसके लिए चाइना कर भी क्या सकता है? दोस्तों चाइना के पास अब एक सोल्यूशन ये है कि अभी जहाँ पे इन्होंने बना रखे हैं अपने घर, क्योंकि 90% पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है, बिकॉज यहाँ पे उनके लिए रोजगार है, यहाँ पे खेती होती है, सारी चीज़ें इस साइड में, लेकिन कुछ भी हो अब इनको दूसरे साइड अपने पॉपुलेशन को शिफ्ट करना पड़ेगा। अब जब वो दूसरे साइड शिफ्ट होंगे तो वहाँ पे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन प्रकृति को देखते हुए करनी पड़ेगी इनको। कंस्ट्रक्शन करने में चाइना बहुत आगे, उसको पता है, लेकिन जब कोई किसी चीज़ को करते हैं तो ये भी तो देखो कि अननेसेसरी कोई चीज़ ऐसी ना कर दो जिसकी वजह से नेचर के साथ खिलवाड़ हो जाए। और ज़बरदस्ती ग्राउंड वाटर आप निकालते चले जा रहे हैं, उसको रिचार्ज करने का कोई आपने ऑप्शन छोड़ा नहीं। कम से कम नदियों का पानी कुछ ऐसा करते जो नीचे जाता, वाटर लेवल को मेंटेन करता, वो सब चाइना ने कुछ किया नहीं, अब इनके साथ परेशानी हो रही है। अब सोचिए दोस्तों, किसी ने अपने जीवन भर की कमाई लगा दी और शहर में मकान खरीद लिया, अब वो कहाँ जाएगा? अब दूसरी जगह आप मान लो शिफ्ट भी करना चाहो तो क्या वो बंदा जाने की सिचुएशन में है? अभी कैसे जाएगा, क्या करेगा? तो दोस्तों ये चीज़ चाइना में बड़ी ही परेशानी वाली है। अब चाइना सोचिए कंस्ट्रक्शन कर देगा, हालांकि चाइना ऑप्शन तो देता नहीं किसी को कि आपको ये करना है या ये नहीं करना। चाइना तो सीधे एक रूल निकालता है कि आपको यहाँ से उठना है, वहाँ जाना है, आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि चाइना में आप कुछ भी अलग सा नहीं कर सकते, जैसा कम्युनिस्ट सरकार उनके चाहेगी वैसा आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस चीज़ से भारत को भी कहीं ना कहीं सीखना चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हम भी कर रहे हैं, हम भी बहुत पानी निकालते हैं नीचे से, लेकिन डेवलपमेंट ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रकृति का कोई खिलवाड़ ना हो, क्योंकि हम अगर दूसरे को देखकर अगर नहीं सीखेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा हम उसी गड्ढे में हम भी गिर जाएंगे। तो अगर दूसरों से अगर सीखने को मिल जाए तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, और कहीं ना कहीं चाइना हमारे सामने उदाहरण आ चुका है, अब जिसको देखकर हम कुछ सीख सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों हमको तो ये बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि हम भी डेवलपिंग कंट्री हैं और डेवलप भी कर रहे हैं, बहुत तेज़ी में कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम बहुत हमारे यहाँ हुआ है, हमारे देश में। हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं नितिन गडकरी जी, जब वो गिनाने लगते हैं अपनी रोड्स के बारे में कि हमने ये रोड बनाई वो रोड बनाई, तो पता लगता है कि देश के अंदर वाकई बहुत कुछ बना है। और सिर्फ उनके बताने से बात नहीं होती, आप कहीं पर भी चले जाएं आप देखेंगे कि हर तरफ रोड्स तो बहुत अच्छी होंगी, कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा होगा, बिल्डिंग्स भी आपको देखने को मिलेगी शहर में, बहुत अच्छी अच्छी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, बढ़िया है, सब कुछ अच्छा लग रहा होगा। तो कंस्ट्रक्शन के मामले में इंडिया भी काफ़ी आगे बढ़ चुका है, लेकिन प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि अभी उत्तराखंड में जोशीमठ हमारे सामने उदाहरण है, वो इंडिया का ही है, इसलिए मैं जोशीमठ का नाम ले रहा हूँ। तो वो सब भी बाद में दिक्कतें होती हैं, और दिक्कत वो आम पब्लिक को होती है, आम पब्लिक का ही पैसा लगा होता है, और उसका कंपेंसेट कम से कम इंडिया में तो कहीं कोई नहीं करने वाला, वो हमारी ही पॉकेट का लॉस होता है। तो इसलिए दोस्तों जब भी कुछ भी ऐसा हो तो इंडिया के पॉपुलेशन को भी जागरूक रहना चाहिए कि अननेसेसरी हम समरसेबल नहीं लगवाएं, कि कहीं बस एक समरसेबल लगवाया और पानी को निकालना स्टार्ट किया, या कोई भी दूसरी चीज़ ऐसी ही ना कर दें जिससे कि प्रकृति को नुकसान हो जाए। तो दोस्तों आप ये तो यही मैसेज मेरा कहने का है कि हमको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। दोस्तों अगर कुछ और डेवलपमेंट आती है इससे रिलेटेड तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा, लेकिन चाइना में भी परेशानी तो बहुत ज़्यादा है।